स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ताला लगाओ। इशिता क्यों? इशिता इशिमा इशिता इधर है। इशिता 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 प्लीज आप अपनी फैमिली को कुछ मत बताना मेरे बारे में। देखो मैंने आपको सब सच सच बता दिया। प्लीज आप पुलिस के पास भी मत जाइएगा। ये मैंने अपनी बहन खोई है। मेरी बहन जैसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं जो इस तकलीफ में। और अगर आपकी फैमिली के साथ ऐसा होता तो शायद आप भी यही करती जो मैंने किया। प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। आप आरुषि मेरी एक बात समझ लो, मेरे पति ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते। मुझे अपने पति पे पूरा भरोसा है। तुम अभी यहां से जाओ, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं पता करूंगी और तुम्हें बताऊंगी। मैं तह तक पहुंचूंगी, लेकिन मुझे अपने पति पे बहुत भरोसा है, ये याद रखना। कुछ तोड़ने के लिए मिला दे। कुछ है सर? पापा पीछे के रास्ते भागो। तुम ठीक हो? क्या करती हो यार तुम? उस कंपनी के ओनर की वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दे दी। कौन था उस कंपनी का ओनर? रमन भला। शुभम कब से बाहर दरवाजा ठोक रहे थे? पप कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? हम इतने टेंशन में आ गए थे बाहर। I'm sorry, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? किसे बोला तुम यहाँ? आप लोग मेरे कारण बहुत ज्यादा परेशान हो गए ना। आई एम सॉरी, मैं ठीक हूँ। मैं घर चल के सब बताती हूँ। चलो ना प्लीज। नहीं घर नहीं, मुझे अभी जाना है। किसे कहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ कि तुम्हें यहाँ कैसे बुलाए? Who called you, इशिता? मुझे लगता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। ऐसा मजाक कौन करेगा? हाँ, मेरे एक्सीडेंट का बहाना बनाकर तुम्हें यहाँ बुलाएगा? Are you sure किसी ने मजाक किया? There's more to it, because भावना ने मुझे कहा था कि वो सोनाक्षी की आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। और मुझे डर लग रहा है कि इस बात कहीं वो बात सच ना हो जाए। और कोई बात है? सच बताओ। प्लीज आप अपनी फैमिली को कुछ मत बताना मेरे बारे में। देखो मैंने आपको सब सच सच बता दिया। रमन किसी की आत्मा तभी परेशान करेगी ना अगर हमने उसे परेशान किया। क्या हमने ऐसी कोई गलती की है जिसके कारण कोई मर कर हमें परेशान करने की कोशिश करे? कोई गलती हुई है क्या हमसे? कि तुझसे इतना प्यार करता हूं कि तेरे बिना रह नहीं सकता। पागल। शमाल है मेरा मन। आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। पर करूंगा तो भी तो रुकने के लिए तो है ना यार। मुझे क्या पूरे परिवार को सुधारने के लिए तो है ना जगत माता। लेकिन तुझे कुछ हो गया ना तो हम सब का क्या होगा? बताए तुझे पागल। सॉरी, रियली सॉरी। कोशिश की थी रोमी, मैंने तुम्हें फोन लगाया, आदि को लगाया, किसी का फोन नहीं लग रहा था। आई एम रियली सॉरी, पर मैं क्या करती, मैं इतने पैनिक में आ गई थी, मैं डर गई थी बुरी तरह से, मेरा फोन टूट गया, इसलिए मैं इनफैक्ट नोट में लिख कर गई थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वो एक अच्छा काम किया तुमने, वरना हमारी हालत खराब हो गई थी। I'm really sorry. मेरे कारण आप सब लोग इतने ज्यादा परेशान हुए। पक्का ऐसा दोबारा नहीं होगा। तुम्हारी इन सारी गलतियों में एक चीज सही हो गई। तुम्हारे क्लिनिक के लिए जो लैंड डील की थी ना वो फाइनलाइज हो गई। Really? मैसेज आ गया। हाँ। पेपर्स कल सुबह ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। मुझे तो लगता है कि रात्रि जागरण का इरादा है सबका। मैं कॉफी बना दूं? बना, तुझे चाहिए नहीं है। मेरे और अभिनव के प्यार की आखिरी दिशा। एक दिन माँ की तरह वकील बनूंगी।
मैडम जी, सिग्नल पे फोन पे बात करना गैर कानूनी है। सॉरी सर, कॉल रिसीव नहीं कट ही कर रही थी। वैसे आपने हेलमेट नहीं पहना। कल के दिन तू वकील बनेगी तो कोर्ट में जाके ऐसी दलील करेगी? हाँ, सच ही तो बोला मैंने, इसमें क्या गलत कहा? हे भगवान, ये ऐसी ही बोली है। कभी कभी सोचती हूँ आगे जाकर अभीरा अपने रिश्तों को कैसे निभाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। उस कंपनी के ओनर की वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दे दी। कौन था उस कंपनी का ओनर? रमन भला। आरुषि ने रमन पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया? पर पता नहीं क्यों उसकी आंखों में मुझे सच्चाई दिख रही थी। पर रमन का नाम, मुझे इस बात की जड़ तक जाना होगा। कल सुबह मैं ऑफिस जाकर देखूंगी, आखिर सच क्या है वो मुझे पता लगाना होगा। आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? नहीं नहीं, वो गिफ्ट कार्ड मैंने लिया जरूर है, बट आई हैव नॉट यूज्ड इट, तो मैं नया गिफ्ट कार्ड क्यों लूंगी? आप प्लीज एक बार ढंग से चेक कीजिए। मैम, मैं आपके क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात कर रहा हूँ। हाल ही में आपने गिफ्ट कार्ड परचेज किया था और अभी ट्रांजैक्शन में हम देख सकते हैं कि आपने वो गिफ्ट कार्ड यूज किया है, तो हम आपसे जानना चाहते थे कि क्या हम नया गिफ्ट कार्ड इशू करें। व्हाट? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो गिफ्ट कार्ड तो मैंने किसी को गिफ्ट करने के लिए लिया था और अभी तक दिया भी नहीं है मैंने। मुझे नेक्स्ट मंथ गिफ्ट करना है। ओह गॉड, वो गिफ्ट कार्ड तो है ही नहीं मेरे पास। मैम, अगर आप चेक करना चाहती हैं तो हम आपको ट्रांजैक्शंस की सारी डिटेल्स रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। हाँ, यस 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 यस, प्लीज डू दैट। आप मुझे जितना जल्दी हो सके सारी डिटेल्स भेज दीजिए। ओके मैम। या थैंक यू सो मच। सारा कुछ ठीक है ना? मम्मी जी, वो मुझसे ना गिफ्ट कार्ड खो गया है। जी, मैंने पेरी अम्मा के लिए लिया था, अब अगले महीने उनका बर्थडे है, तो मैं चाह रही थी कि उन्हें अच्छी सी चीज दूं। मैं चाहती थी कि वो ये गिफ्ट कार्ड यूज करें, किसी हॉलिडे पे जाएं, लेकिन मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद ही बैंक जाके ना अच्छे से देख कर आती हूँ। जा पुत्र, है ना? नहीं तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा मम्मी। नहीं, 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 जा, मैं अभी गई और अभी आई। ठीक है, जा जा जा। तू वो सब चेक करवा दे, ठीक है? ये चेक कर। शमा, आप यहाँ? इतना क्यों चौंक रहे हो तुम लोग? हाँ ठीक है, मैं ऑफिस नहीं आती हूँ आजकल, लेकिन फिर भी पार्टनर तो हूँ, इन्वेस्टर हूँ मैं आप लोगों की। ऑफ कोर्स, आप मालिक हो। नहीं नहीं, मैं तो बस ये देखने आई थी कि आजकल नया क्या चल रहा है यहाँ, क्योंकि अब क्लिनिक का भी काम शुरू हुआ नहीं है, तो फ्री हूँ। मैंने सोचा यहाँ के मौसम की जानकारी ले लूँ तब तक। शिमा, एक्चुअली अभी तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकल रहे हैं, बट वी'ल बी डन इन 1 आवर, फिर हम वापस ही आने वाले, देन बैठ के बात करते हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। चलो करो, सी यू, बाय बाय। शिमा, क्या हुआ? कुछ काम है तो बताओ, मैं हेल्प कर देता हूँ। हाँ एक्चुअली मेरे लिए बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। हाँ बोलो ना। मेरे लिए तो बहुत हेल्प। आलिया, आप यहाँ ऑफिस में क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? I mean, I'm happy to see her. अच्छा मेरे साथ आओ, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी इस काम में कि हमने कौन से नए वेंचर्स, इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या किया है, मुझे उसकी डिटेल चाहिए। ठीक है, मैं आपको सारी डिटेल्स दे देती हूँ, वैसे भी फ्री हो भी। हाँ वैसे भी ये हमेशा ही फ्री रहती है। मैं तो बस जानना चाह रही थी कि क्या नया काम शुरू किया है हमारी कंपनी ने, तो आलिया हेल्प कर देगी मेरी? हाँ जी। It's okay, शिमा, मैं हेल्प कर देता हूँ। वैसे भी आलिया ने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो इसे खुद को कुछ नहीं पता। आदि, मुझे इतना तो पता ही है। अम्मा, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? आदि, तुम्हें वो तुम्हारे ग्राफिक्स डिजाइन पे काम करना था ना? आदि, जाओ जाके मीटिंग कर लो, फिर कर लेगी मैनेज। कर लोगी ना? जी अम्मा। ओके। आलिया, कम, सॉरी मैं आपको फाइल्स निकाल के देती हूँ। अच्छा। आप ये कुछ फाइल्स हैं? देखो। थैंक यू। और बाकी की फाइल्स मैं आपको लाके देती हूँ। ठीक है। What? I don't believe this.
हमने इतना सारा ड्रामा किया और उसे पहले ही से सब पता था। अरे मैंने तो पागल भी बनने की एक्टिंग की थी। थैंक गॉड वो मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की वार्डन अच्छी थी और वो डॉक्टर उसने पैसे लेकर मुझे स्किज़ोफ्रेनिक बताया, वरना अभी तक वहीं कैद होती मैं। और मुझे तो यही यकीन नहीं हो रहा कि उसने तुम्हें इतनी आसानी से पकड़ कैसे लिया। इशिता बहुत पावरफुल है, उसने मुझे पुलिस में जाने की धमकी दी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था उसे सब बताने के अलावा। इशिता का कॉल है, बात करो उससे। आरुषि, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ। लेकिन आरुषि, ये बात भी याद रखना कि मैं प्रूव कर दूंगी कि इसमें मेरे हस्बैंड का कोई हाथ नहीं था। ठीक है। इशिता बहुत स्मार्ट है और वो अपने पति के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। सबूत मिल भी गया तो खुद ही उसे खत्म कर देगी, और वैसे भी बचा ही क्या है, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। इशिता का मैसेज आया था कल रात को, उसने बताया कि रमन भल्ला का रिक्रूटमेंट का कोई भी बिजनेस नहीं है। मतलब वो काम के लिए लोगों को फॉरेन कंट्री नहीं भेजते। उनका कुछ ड्रिंक्स, हेल्थ ड्रिंक्स और बेवरेजेस का बिजनेस है। उनका कोई ऑफिस भी नहीं है लंदन में, तो उनके हिसाब से उन्होंने सोनाक्षी को नहीं रिक्रूट किया। मुझे ऐसा लगता है कि इशिता कभी नहीं मानेगी कि रमन का इससे कुछ भी लेना देना। लेकिन हमें इशिता ने देखो मुझे प्रॉमिस किया है कि वो सच का पता लगा के रहेगी। और तुम्हें यकीन है इशिता पर? कोई भी पत्नी अपने पति के खिलाफ नहीं जा सकती, पत्नी तो पति के साथ ही रहेगी ना। और वैसे भी सबसे पहले कोई भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता ना। सोनाक्षी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मैंने ये सब ड्रामा सिर्फ उसकी मौत का बदला लेने के लिए किया। चलिए मान लेते हैं कि इन सब के पीछे रमन का हाथ नहीं है, लेकिन अगर रमन नहीं है इन सब के पीछे तो फिर उनके परिवार से कोई ना कोई जरूर होगा, और वो कौन है? इशिता जैसे उस घर की मदर फिगर है, वो पूरे परिवार को जोड़ कर रखती है। वो क्यों अपने परिवार की किसी भी सदस्य का पर्दाफाश करेगी? वो क्यों हमारी मदद करेगी? हम कैसे भरोसा कर ले उस पे? सैडली मैं भी यही कहना चाहती हूँ। सोनाक्षी की माँ के मौत के बाद दोनों बहनों को मैंने संभाला, मैं उनकी माँ से नहीं माँ हूँ। बहुत गलत हुआ मेरे बच्चे के साथ, उनके गुनहगार को मैं माफ नहीं कर सकती कभी। मेरी बहन रमन भल्ला की वजह से मरी है, मैं उस आदमी को छोड़ूंगी नहीं। कुछ भी हो जाए मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। अब जो भी करना है मुझे ही करना है। उस रमन भल्ला का मैं वो हाल करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।